दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि जल्द ही दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड होगा, लेकिन वो CBSE का स्थान नहीं लेगा बल्कि यह अगली पीढ़ी का बोर्ड होगा जो JEE और NEET जैसी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारियों में छात्रों की मदद करेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार बोर्ड को ऐसे रूप में देखती है जो वर्तमान हालात का निदान होगा। वर्तमान में छात्र स्कूलों की मदद से बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन उन्हें इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए कोचिंग सेंटरों का सहारा लेना पड़ता है। सिसोदिया ने कहा, यह विडंबना है लेकिन मैं इसे वरदान के रूप में देखता हूँ। दिल्ली में कोई शिक्षा बोर्ड नहीं है, हम दिल्ली को अपना शिक्षा बोर्ड देने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने 2015 में इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया और उस पर काम करना भी शुरू कर दिया, लेकिन जब हमने इमारतों की हालत देखी और कक्षाओं में शिक्षण के माहौल को महसूस किया तो हमें लगा कि नया बोर्ड बनाने के बजाय पहले ढांचागत सुधार करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड बनाने का वक्त आ गया है। सिसोदिया ने कहा, सरकार इस पर काम कर रही है, ये CBSE का स्थान नहीं लेगा बल्कि नई पीढ़ी का बोर्ड होगा। यह बोर्ड और इसका पाठ्यक्रम कैसा होगा इसके बारे में उन्होंने कहा कि अलग अलग विषयों पर अलग अलग ग्रेड देने की योजना है। दीपक कुमार, पंजाब केसरी स्टूडियो, दिल्ली। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।